हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप दिस सेशन ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, मैं थोड़ा सारे ना काफ़ी सारिया टिप्स शेयर करना चाहनी हूँ जो अपन डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा नीडेड होंगे ने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सारे दसना चाहती हूँ कि विंटर खत्म हो चुके हैं, सो समर स्टार्ट हो गया। सो समर के अपन कि चीज़ों की डेली बेसिस पे नीड होंगी अपने हेयरस में स्किन में। सो ये वाला प्रोडक्ट एम्बे तो बाय किया GNH करके हैगा है, इहदा मॉइस्चराइजर है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैगा। मैं एक वीक होया इहनूं लाउंदे नूं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीयर हो गई है, मैनूं सच्ची बहुत ज़्यादा वधिया लग्या। सो मैं रेकमेंड करांगी सब नूं, अगर किसी ने भी बाय करना सो एम्बे दे मतलब स्टोर ते जाके तुसीं बाय कर सकदे। पहले मैं इहनूं लगाऊंगी, थोड़ा जिहा लवांगी। ये लाने तो पहला मैं अपना फेस सीगा जिहड़ा वॉश कर लिया सीगा प्रॉपर। तुसीं भी अपना फेस वॉश करके प्रॉपर करने वाले स्टैप्स, तो हुण आफ्टर दैट इहनूं हुण प्रॉपर आपां एब्जॉर्ब। सो गाइज, आई हैव डन माई मॉइस्चराइजर, सो ये मैं फेस से लगा लिया मॉइस्चराइजर, तो तुसीं देख सकते हो कितना वधिया लग रहा। मैनूं खुद बहुत ज़्यादा वधिया रिजल्ट आए हैं, तो ट्रस्टली एक बार तुसीं ट्राई करके जरूर देखो। जिन्हां नूं कोई भी प्रॉब्लम हैगी है फेस की, तो एक बार जरूर ये वाले स्टोर पर जाके वाला बाय करो। सच्ची मैं मतलब जो चीज़ मैंने सच्ची वधिया लगती है, सो मैं सारे चाहती हूँ कि दस दवा तां जो सारे बेनीफिट्स ले सकन इस चीज़ के। सो आफ्टर दैट मैं थोड़ा जा लिप्स से लगावांगी लिप बाम, कोई भी है थोड़े को अवेलेबल तुसीं ला सकते हो। 5 मिनट हो गए हैं, सो हुण मैं लावांगी ये वाला नाइका का ऑयल। सो तुसी कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो थोड़े को हैगा। सो मेरे को नाइका का ऑयल 2 ड्रॉप्स ही लवांगी, इस तो बाद नहीं लवांगी। सो ये ग्लो करता है अपनी स्किन नू, ड्रॉप्स लैन तो बाद ना प्रॉपर हीट देनी है, हीट देने तो बाद ही अपने फेस से अप्लाई करना, मतलब 1 मिनट लिए इदा रब करना, तो उस तो बाद अप्लाई करना अपने फेस से। स्टेप्स मैं डन कर चुकी हूँ, सब तो पहला मॉइस्चराइजर दैन ए वाला ऑयल हो गया डन। सो हूँ मैं लूँगी करैक्टर, करैक्टर के नाल जितने भी थोड़ा लगता है कि थोड़े कोई भी पैचिस बननी है, पिगमेंट हो गया स्किन पर, तुम अप्लाई कर सकते हो जिते थोड़े पिंपल का दाग हैगा है। सो उन्होंने करैक्ट करने के वास्ते तुम करैक्टर यूज कर सकते हो। सो नाउ आई एम जस्ट अपलाइंग करैक्टर ऑन माय एंड। हौली टैप 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 करते 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 इन्हें एब्जॉर्ब करना है। सो गाइज, मैं हूँ ब्लैंडर की हेल्प के प्रॉपर ब्लैंड कराँगी। सो इन ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, सो बोले बोले हाथों के ही ब्लैंड करना है। फाउंडेशन अप्लाई, सो फाउंडेशन मैं कराँगी ये रेवलॉन का, अच्छा या 24 आवर रही है स्टे, एंड मेरे को फिटमी का भी है, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। सो तुम जो सूट है तो तुम ले सकते हो। सो मैं ये वाला फाउंडेशन ही अप्लाई करूँगी, अपने अप्लाई कर लूँगी। गाइस, मैं फाउंडेशन है जो प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लिया अपनी स्किन के। सो इनू थोड़ा सैट होने वास्ते 5-10 मिनट लगते हैं, सो सैट हो जाए तो उस तो पहला आप कर लेंगे अपनी आईज का मेकअप कलर का, ये वाला आई शैडो। आई शैडो को यूज़ कर लिया, सो हूँ मैं करूँगी ब्राउन कलर का नीचे मर्ज कर लिया अपन। सो हूँ आप अप्लाई करांगे इहदे नाल मिलदा जुलदा हाईलाइटर, इहदे नाल मिलदा जुलदा है जिहड़ा वो ए वाला आ, सो ए वाला मैं अप्लाई करांगी। पार्टी मेकअप कर रही हूँ मैं, सो पार्टी मेकअप लिए तो थोड़ा ये वाला अप्लाई करना ही पैना, सो उस तो बिना तो फिर प्रॉपर लुक भी नहीं आती है। सो ये वाला मैं ले रही हूँ।
बिल्कुल डन हो चुके हैं। सो नाउ इट्स परफेक्ट। आईब्रो नू सेट करेंगे, आईब्रो नू सेट करने वास्ते मैंने पेंसिल चाहिए हुआ, सो पेंसिल हेल्प के नाल ही मैं करूँगी। सो ए वाली पेंसिल है मेरे को। सब तो पहला तो मैं अपने आईब्रो नू क्लीयर कर दनी हूँ। आईब्रो क्लीयर हो गया। सो आप प्रॉपर अप्लाई कर लिया। सो मैं हूँ थोड़ा जा, सो मैं हूँ थोड़ा जा हाईलाइटर लवागी। हाईलाइटर की हेल्प के नाल मैं थोड़ा जा इस चीज़ को हाईलाइट करूँगी। सो मैं हूँ पहला नीचे वाली जी है उन्हें सेम ट्यून दवांगी जिदा मैं उपर किया उदा ही नीचे करा। सो उन्हों नीचे लगावे। इसमें अप्लाई कर लिया नीचे भी। सो हम ब्राउन भी अप्लाई करांगे आप थोड़ा। सो गाइस मैं अपनी वाली आईज प्रॉपर बना लिया। सो मैनू ना सच्ची बहुत सोहनी लगती पी आ। सो वी गाइस मेरी दोनों आईज प्रॉपर फिल हो चुकी हैं। आई लाइनर्स भी लगाने हैं दोनों आईज के बीच। बस मस्कारा रह गया, मस्कारा एंड ऑफ द मूवमेंट लगावानी मैं जो जो सारा मेकअप हो जूगा लिपस्टिक तो पहले। सो हूँ आप करते हैं कंटूरिंग फेस की। ये वाली कंटूरिंग यूज़ करांगी अपने फेस से। सो तुम किसी फॉर्म के ले सकते पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म के जो अवेलेबल हैगी है। मैं इतना कंटूरिंग करना बहुत ज़्यादा वधिया लगता है। सो नाउ जस्ट मैं कट करांगी अपने फेस में। सो देख सकते हो एक इतने लगाना इंता दैन इतने दैन तुम अप्लाई कर सकते हो अपनी जिते जिते तुम कर देने अच्छे अच्छे मतलब शेप दिखाई अपने फेस की। एंड नोज से ब्रश तो परफेक्ट ऐद होंगे कॉटन पैड ना जो ट्राई करो एक बार दैन। ब्लशर अप्लाई करेंगे हम आप। ब्लशर के लिए अपन वधिया जा इदा का ब्रश चाहिए है। सो तुम अप्लाई कर सकते हो थोड़े को मेरे को एक शुगर का भी है तो एक फेस कैन का भी है एक है कलर वाला तो वह भी बहुत अच्छा है। सो मैं ये वाला डार्क वाला यूज़ करूँगी क्योंकि नाइट फंक्शन है। सो मैं डार्क वाला यूज़ करूँगी। तो फस्ट ऑफ ऑल आप इदा अप्लाई करते हैं एक चिक्स से मैं तुम्हें इदा का ए वाला पाउडर का यूज़ करके दिखाई तो दूजा वाला लिक्विड वाला। सो हम आप अप्लाई करते हैं मेरी लिपस्टिक है मेरे को एक पिंक कलर की इदा दी मैं उदा बना के ही अप्लाई करती हूँ तो मैं थोड़ा दिखा दी मैं कि बना। सो ये वाली है लिपस्टिक इदा ला लाँगी इतने मैं लगा ली है लिपस्टिक। सो मैं हूँ इनू लवानी अपने फिंगर से। सो टैप टैप करा गाइस ये नालों ना मैं ये लुक ज़्यादा वधिया लगती है। सो
सो हुण मैं ब्रश दी हेल्प दे नाल थोड़ा थोड़ा इनू ब्लेंड कर लूँगी। शुगर का मेरे कोई वाला पाउडर हैगा, ये तुसी जरूर अप्लाई करया करो। सो हम मैं लवांगी लिपस्टिक। सो शेप देने वास्ते मैं ये वाली ले रही हूँ शुगर की लिपस्टिक, बहुत सोहना शेप दे हेल्प कर दी है। गाइस हूँ मैं अपनी लाइट वाली लिपस्टिक लूँगी। सो मैं शेप बना लिया प्रॉपर, ए वाली लूँगी, थोड़ी कट लगती पी मैं। सो गाइस मैं लिपस्टिक भी लगा लिया लिप्स से। सो हूँ लास्ट विच आप लवेंगे मस्कारा। मैं आई लैशिज नहीं लाँगी क्योंकि मेरी आई लैशिज ऑलरेडी फट गई ने, तो मैं आई लैशिज की लड़ नहीं पैंती है। सो नीचे वरिया तो आप आई लैशिज नहीं लगा सकते, सो उन्होंने ब्रॉड करने वास्ते उन्होंने ज़्यादा अपन ला लेना चाहिए होंगे। मेकअप इज डन। सो तुसी किद्दां लग्गिया तुहानू ये वाला मेकअप मैंने कमेंट करके जरूर दस्यो। फिर आपां मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग दे विच। नैक्सट ब्लॉग आई होप सो फंक्शन दा होवे। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं आपां नैक्सट टिप्स दे विच, ओह की हुंदी आ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ।